कौन? आया है मैडम जी। नमस्ते। अब थोड़ा बिजी थे मैडम जी, आ नहीं पाया बस। अब आप ही का काम करना है आज। नहीं वो मैडम जी और भी जगह जाना पड़ता है ना, आप जानती हैं। वैसे आप बुलाया उन्होंने आया नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? जी जी मैडम जी, ये नाला मैडम जी। जी। अरे लीकेज की प्रॉब्लम है मैडम जी, लगता है किसी ने लीकेज कर दिया है। ठीक हो जाएगा वैसे। ये क्या है मैडम जी, नल को जितना अच्छा रखो ना उतना ही सही रहता है। वैसे हम क्या कभी कभी ना जोर से कर देते हैं। जोर से करना अच्छा नहीं होता मैडम जी, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा प्यार से करना चाहिए। मतलब जितने प्यार से हम करेंगे ना मैडम जी, ये नल उतना ज्यादा चलेगा, ये हमारा मानना है जब से मैं काम कर रहा हूँ जी। नहीं मैडम जी, वो नौकरी तो हम, हाँ वो क्या बताएं मैडम जी, अब भगवान ने शक्ल तो दी अच्छी, लेकिन मैडम जी काम नहीं दिया, बस यही है। कर रहे हैं, लगे हैं मैडम जी। ये कि अब घर की भी दिक्कतें हैं, मेरी माँ जो है वो घर में बर्तन धोती कहीं, और मैं भी अब काम में लगा रहता हूँ। अब आप जैसों की मदद करना तो मेरा काम ही है मैडम जी। हम ठीक कर दे रहे हैं मैडम। आहा, नीचे भी थोड़ा गड़बड़ी है, कंप्लीट कर देते हैं। ये देखो मैडम, आप खुद देखिए, थोड़ा नीचे से देखिए मैडम जी, नीचे से। हाँ ये देखिए, देखिए मैडम जी क्या पानी तेज आ रहा है मैडम जी। देखिए मैडम, पूरा पानी गिर रहा है मैडम जी। बंद कर देते हैं जी, हो गया लगभग काम मैडम जी, अब ज्यादा बचा नहीं है। वैसे अब एक बात कहें मैडम जी, अगर आप बुरा ना माने तो, वो मैडम जी थोड़ा हमको अच्छा ही लग रहा बोलने में, लेकिन हम बोल दे रहे हैं। कल हम आए थे तो मैडम जी हमने कुछ सुना था आपके यहाँ, वो ये कि मैडम जी आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। मतलब कल हम सुने थे मैडम जी क्या हो रही थी बात, आपके घर में क्या दिक्कतें चल रही हैं। मतलब इतना अत्याचार मैडम जी, किसी अबला नारी के ऊपर इतना अत्याचार करना, मतलब इस समाज में सही नहीं है मैडम जी, मुझे लगता है। मतलब थोड़ा घर में परिवार में सही से रहें, और आप कितनी कितनी अच्छी हैं मैडम जी आप हैं। आप किसी के घर में जाए ना मैडम जी, मतलब कहीं और होती तो शायद ऐसा नहीं होता। थोड़ा गलत हो रहा है मैडम जी आपके साथ, बड़ा दुख होता है हमको। मतलब ऐसी अच्छी औरत को देख के मतलब साथ अत्याचार होता, बड़ा बुरा लगता है मैडम जी दिल से। मैडम जी क्या बोले, जा रहे मैडम जी। नहीं ये तो ठीक कर दिया है जी। नहीं, ठीक हो गया मैडम, आने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक, आ जाएंगे मैडम जी, कोई बात इसमें है कौन सी बड़ी बात। नहीं मैडम जी देखो, हमें तो आप जैसों की सेवा करनी अच्छा लगता है। नहीं, पैसों की जरूरत नहीं मैडम जी, आप रख लीजिए, एक छोटा सा काम था और आपसे हम पैसे लेंगे मैडम जी। चलते हैं मैडम जी।
अबे वो मैडम जी की बात कर रहे हैं, आज दूसरी बार गए साला उसके यहाँ। भाई खतरनाक लग रही थी यार, साड़ी पहनी हुई थी और कमर पूरी दिख रही थी। अरे बस देखते रह जाओ। साला पता हमको, साला हम बैठे हुआ जाके हमसे पहले दिन तो कुछ बोले ही नहीं, आज पूछ ली उसने। लेकिन हमसे पूछा कि भैया जी आप लगता है आप इस फील्ड में हो नहीं, मतलब नए नए लग रहे हो। मैंने कहा हाँ मैडम जी नए नए तो हैं, क्या करें मैडम जी, मजबूरी है हमारी, क्या कर सकते हैं। साला प्यार दिखाई हमको यार, उसे लगा शायद हम नए इस फील्ड में आए हैं, ऐसे ही हैं हम थोड़े, हमको बैठा ही वो। पूछी चाय लोगे क्या, मैडम जी पिला दीजिए चाय। चाय लेके आए वो, अंदर से पता है अपने हाथों से उसने चाय दी हमें से। हम चाय पीते गए और उसको देखते गए बस, और चाय पीते पीते ना हमको ऐसी ऐसी हल्की सी स्माइल कर रही थी ऐसे। साला हम समझ गए ये हमको इशारा दे रही है। भाई कर रहा माल थी, कर रहा, झूठ नहीं बोल रहे हम। साला आज मजा आ गया, दिन बन गया हमारा यार। मतलब कोई ऐसा करता है बताओ, ऐसी कोई मैडम करती है क्या। हमको शुरू दिन लग गया था कि ये मैडम जी ना कुछ तो दिक्कत है। सर उसे घर में दिक्कत भी हो रही थी, हमने उसी का फायदा उठाया, उसी को बोल दिया मैडम जी आपके साथ अत्याचार हो रहा है। फिर पूछो अरे हमको काम करने के बाद बिठाई, बोला पैसा लो। मैंने कहा हम पैसा नहीं लेंगे। हमारे पास आई बैठी और बोली भैया आपको पसीना सा आ रहा है, हम थोड़ा पोंछते थे। मैंने कहा नहीं मैडम जी रहने दीजिए। बोला नहीं भैया थोड़ा सा टॉवल ले लीजिए, यूज कर लीजिए। सर ऐसा बालों पे हाथ लगाई, हमारे पास बैठी। साला हम काम यू काम ऐसे करो देख यूं रहे थे बिल्कुल ऐसा माल। अरे मजा आ गया भाई।